Hello friends, I am Rahul and welcome to the channel ECLE. Everybody can learn English, you can learn English. So, स्वागत है आपका ECLE के चैनल पर और आज की क्लास हमारी प्रैक्टिस क्लास है और आज हम करेंगे जितने भी हमने पेसिव बाय सेंटेंस पढ़े हैं उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे. मैंने कुछ 25-30 सेंटेंसेस लिए आपके बीच में जो कि हम उनका ट्रांसलेट करेंगे, आप भी प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि प्रैक्टिस करना, एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. जब तक हम इनकी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक ये हमारे लिए नहीं आ पाएगा, आपके प्रैक्टिस में नहीं आ पाएगा, एक्सरसाइज में नहीं आ पाएगा. तो आज की एक्सरसाइज वाली सेंटेंस वाली क्लास में आपका स्वागत है और बने रहिए इस ECLE के साथ में और क्लास को अंत तक देखना, कहीं छोड़ कर नहीं जाना, पूरा सेंटेंस देख कर जाना कैसे बनाएंगे, कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे आसानी के साथ में. और जो भी ट्रांसलेशन होगा आपका नीचे पट्टी में आ जाएगा, वो मैं बताने की जरूरत नहीं, वो तो मैं कर लूँगा, आपको नीचे आ जाएगा इसका ट्रांसलेशन क्या होगा सही से. और आपको भी ट्रांसलेट करना है और हम तो कर ही रहे, हम भी इनकी प्रैक्टिस करना ही है. तो आपको ट्रांसलेट करना है, आपको इसको बनाने हैं, लेकिन चेक के लिए आप नीचे पट्टी में देख सकते हैं. ठीक है, तो देखते हैं क्या यहाँ कंप्यूटर सुधारे जाते हैं. यहाँ कंप्यूटर सुधारे जाते हैं, इसका क्या होगा, कंप्यूटर इज रिपेयर्ड हेयर. कंप्यूटर इज रिपेयर्ड हेयर, यहाँ कंप्यूटर सुधारे जाते हैं, हम बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं ऐसे. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, क्या उसे शहर में घुमाया जा सका. क्या उसे शहर में घुमाया जा सका, ये हमने कल ही पढ़ा है, कुड का है, पता है आपको. क्या उसे शहर में, तो क्या आएगा, कुड ही बी विजिट इन सिटी. कुड ही बी विजिटेड इन सिटी, क्या उसे शहर में घुमाया जा सका. थर्ड वन लगाई विजिटेड इन सिटी, क्या उसे शहर में घुमाया जा सका, हम बोल सकते हैं ऐसे. नेक्स्ट क्या है, हमारे द्वारा अंग्रेजी बोली जाती है. क्या है, हमारे द्वारा क्या बोली जाती है, अंग्रेजी बोली जाती है. किसके द्वारा, हमारे द्वारा. तो क्या आएगा, इंग्लिश इज स्पोकन बाय अस, इंग्लिश इज स्पोकन बाय अस, बोल सकते हैं ऐसे. नेक्स्ट देखो, आज से लॉकडाउन बंद किया जाएगा. आज से लॉकडाउन क्या बंद किया जाए, कब से, आज से. तो हम बोल सकते हैं आज से लॉकडाउन बंद किया जाएगा, तो बोल सकते हैं, वैसे तो हो तो नहीं रहा है. तो क्या आएगा, लॉकडाउन विल बी क्लोज्ड फ्रॉम टुडे, लॉकडाउन विल बी क्लोज्ड फ्रॉम टुडे, आज से लॉकडाउन क्या बंद किया जाएगा, हम बोल सकते हैं, आसानी से बोल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, ऐसी. नेक्स्ट देखो, परीक्षा किस प्रकार कराई जा रही है, परीक्षा किस प्रकार कराई जा रही है. ठीक है, किस प्रकार कराई जा रही है परीक्षा, किस प्रकार, व्हाट टाइप. ठीक है, तो क्या किस प्रकार को क्या, व्हाट टाइप, तो व्हाट टाइप इज एग्जाम बीइंग कंडक्टेड, व्हाट टाइप इज एग्जाम बीइंग कंडक्टेड, किस प्रकार से परीक्षा आयोजित कराई जा रही है, हम बोल सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं क्या, क्या दवाई बेची जा रही है, क्या क्या दवाई बेची जा रही थी, क्या दवाई बेची जा रही थी, वॉज मेडिसिन बीइंग सोल्ड, वॉज मेडिसिन बीइंग सोल्ड, हम बोल सकते हैं ऐसे. नेक्स्ट देखते हैं, उसे किस समय पैसे दिए जा सकते थे, उसे किस समय पैसे दिए, किस समय, तो एट व्हाट टाइम, क्या एट व्हाट टाइम कुड ही बी गिवन मनी, एट व्हाट टाइम कुड ही बी गिवन मनी, उसे किस समय पैसे दिए जा सकते थे, आपने चेक कर लिया, बना सकते हो. ठीक है, क्या है, रोड बनाया नहीं गया होगा, रोड बनाया नहीं गया होगा, क्या रोड बनाया नहीं गया, किसका सेंटेंस है, परफेक्ट का पीस ऑफ, रोड बनाया नहीं गया, क्या होगा, रोड विल नॉट हैव बीन बिल्ट, रोड विल नॉट हैव बीन बिल्ट, रोड नहीं बनाया गया होगा. ठीक है, ऐसे. नेक्स्ट देखो क्या है, क्या घर कब से सजाए गए थे, घर कब से सजाए गए थे, कब से घर सजाए गए थे, कब से क्या बोलते, फ्रॉम व्हेन, तो फ्रॉम व्हेन हैड हाउस बीन डेकोरेटेड, फिर से बोले, फ्रॉम व्हेन हैड हाउस बीन डेकोरेटेड, घर कब से सजाए गए थे, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, डेकोरेटेड ऐसे. देखो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, क्या किताब नहीं बेची जा चुकी होगी, क्या किताब नहीं बेची जा चुकी होगी, तो क्या आएगा, किताब, तो विल क्या आएगा, विल बुक नॉट हैव बीन सोल्ड, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, विल बुक नॉट हैव बीन सोल्ड, क्या किताब नहीं बेची जा चुकी होगी, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं ऐसे. नेक्स्ट आंसर हम देखते हैं, यहाँ लोगों को रोज़गार नहीं दिया जा सकता है, यहाँ लोगों को रोज़गार नहीं दिया जा सकता है, तो क्या किसको, लोगों को नहीं दिया जा सकता है, तो क्या आएगा, पीपल कैन नॉट बी गिवन एम्प्लॉयमेंट हेयर, People cannot be given employment here, लोगों को यहाँ रोजगार नहीं दिया जा सकता है ऐसे. हम नेक्स्ट बोल सकते हैं, नेक्स्ट क्या है, यह मामला जल्द समाप्त हो सकता था,
यह मामला सिंपल बोल सकते हैं, यह मामला जल्द समाप्त हो सकता था, जल्द खत्म हो सकता था। तो क्या बोल सकते हैं, दिस इशू या दिस मैटर, तो क्या बोल सकते हैं, दिस इशू कुड बी फिनिश्ड सून, दिस इशू कुड बी फिनिश्ड सून, या हम बोल सकते हैं दिस मैटर कुड बी फिनिश्ड सून, हम बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, आसानी के साथ बोल सकते हैं। बने रहिए, ऐसे ट्रांसलेशन करते रहिए। अच्छा नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट देखो कि शवानी से क्या नहीं पूछा गया होगा, शवानी से क्या नहीं पूछा गया, क्या नहीं पूछा गया होगा शवानी से, क्या, तो क्या आएगा, व्हाट विल शवानी नॉट हैव बीन आस्क्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, इस कक्षा में छात्रों को नहीं पीटा जा सकता था, इस कक्षा में छात्रों को नहीं पीटा जा सकता है, इस कक्षा में, किस में, एक इस कक्षा में, तो क्या बनाएंगे, स्टूडेंट कुड नॉट बी बीटन इन दिस क्लास, बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, स्टूडेंट कुड नॉट बी बीटन इन दिस क्लास, इस कक्षा में नहीं पीटा जा सकता था, ठीक है। कि तुम्हें किसके साथ वहाँ बुलाएगा होगा, तुम्हें किसके साथ वहाँ बुलाया गया होगा, कहाँ वहाँ, तो क्या है, किसके साथ, तो बोल सकते हैं विथ हुम विल यू हैव यू बीन कॉल्ड देयर, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, विथ हुम विल यू हैव बीन कॉल्ड देयर, किस समय बुला गया, बुलाना मीन्स कॉल्ड होता है, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट देखते हैं क्या है, क्या बच्चों को नहीं सुलाया जाता है, क्या बच्चों को नहीं सुलाया जाता है, तो आ जाएगा आर चिल्ड्रन नॉट स्लेप्ट, आर चिल्ड्रन नॉट स्लेप्ट, सिंपल है, आर चिल्ड्रन नॉट स्लेप्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, यह स्कूल किसके द्वारा बनाई जा रही है, यह स्कूल किसके द्वारा बनाई जा रही है, तो बोल सकते किसके द्वारा, तो आएगा बाय हुम, By whom is this school being built? बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट देखो क्या है, आपको आपको जल्द जवाब दिया जा सकता है, आपको जल्द जवाब दिया जा सकता है, मतलब जल्द जवाब दिया सकता है, यू कैन बी रिप्लाइड सून, यू कैन बी रिप्लाइड सून, आपको जल्द जवाब दिया जा सकता है, ऐसे बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट गरीबों को अच्छी शिक्षा दी जा सकती है, गरीबों को अच्छी शिक्षा दी जा सकती है, गरीबों को, तो क्या बोल सकते हैं, पुअर्स कैन बी गिवन गुड एजुकेशन, गरीबों को अच्छी शिक्षा दी जा सकती है, कैसी शिक्षा दी जा सकती है, अच्छी शिक्षा दी जा सकती है, ठीक है। अब देखो, क्या मुझे जंगल के बारे में नहीं बताया जाएगा, क्या मुझे जंगल के बारे में नहीं बताया जाएगा, क्या आएगा, शैल आई नॉट बी टोल्ड अबाउट फॉरेस्ट, शैल आई नॉट बी टोल्ड अबाउट फॉरेस्ट, क्या मुझे जंगल के बारे में नहीं बताया जाएगा। ऐसी नेक्स्ट, क्रिकेट मैच कहाँ खेला गया, तो बोल सकते हैं वेयर वॉज क्रिकेट मैच प्लेड, कहाँ खेला गया, बोल सकते हैं। ऐसी नेक्स्ट देखो, पूजा का किस वजह से सम्मान किया गया था, तो बोल सकते हैं फॉर व्हाट पर्पस हैड पूजा बीन क्या रिस्पेक्टेड, बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट देखो, उसे किस लिए नहीं बुलाया जा सका, फॉर व्हाट कुड ही नॉट कॉल्ड हिम, बोल सकते हैं, फॉर व्हाट कुड ही नॉट बी कॉल्ड हिम, बोल सकते हैं। ऐसे नेक्स्ट देखो, पेड़ क्यों काटे जाते हैं, बाय स्ट्री कटे, तो सिंपल है, पेड़ क्यों काटे जाते हैं। ऐसे नेक्स्ट देखो, क्या जंगल को नहीं बचाया जा सकता है, तो कैन फॉरेस्ट नॉट बी सेव्ड, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ऐसे देखो, लास्ट सेंटेंस देखो, देश का किस वजह से सम्मान किया जाएगा, तो फॉरवर्ड रीजन विल कंट्री बी रिस्पेक्टेड। तो यह हमने आज सेंटेंस की लगभग 25 से 30 सेंटेंस से आज हमने इनकी सेंटेंस की प्रैक्टिस की। आपको क्लास कैसे लगी, प्लीज़ टेल मी इन कमेंट बॉक्स। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ जो घंटी वाला बटन उसको भी दबा लें, और
साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ और ऐसे ही अंग्रेजी सीखते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना खूब सारा ख्याल रखें।